अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एस उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मैं आज की इस क्लास में क्लास 12th यूपी बोर्ड के 25 ऑब्जेक्टिव सवालात के साथ हाजिर खिदमत हूँ, जिसमें आप लोगों को टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आप लोगों को 10 क्वेश्चन का ही जवाब बनाना रहता है बोर्ड एग्जाम में। तो फाइनली आप लोग 25 क्वेश्चन को देख लीजिए और हो सकता है कि आप लोगों को यहीं से 10 क्वेश्चन आ जाए। फाइनली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने में कि सरोसामा किसकी नज्म का कलियात है। यहाँ पे थोड़ा फ्रेश नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सरोसामा किसकी नज्म का कलियात है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अख्तरुल ईमान का ये कलियात है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 2 पे, शोला व शबनम किसकी शेरी का कलाम का मजमुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोश के कलाम का मजमुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 3 पे गए, शायर शबाब और शायर इनकलाब के नाम से किस शायर को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी जोश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे, अख्तरुल ईमान की जाय पैदाइश है। इसका सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी फैजाबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 5 नंबर सवाल आपके सामने में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना कौन सी नज्म कहलाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नजर। क्या हो जाएगा, नजर अलीगढ़। क्या हो जाएगा, नजर अलीगढ़, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, दस्ते सबा किसकी नज्मों का मजमुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फैज की ये दस्ते सबा ये मजमुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 7 नंबर पे, कि मिर्जा नवेद शाह किसका लकब था। तो इसका सही आंसर देख लीजिए, 2020 में आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था यूपी बोर्ड में। सवाल नंबर 7 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गालिब। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, जदीद नज्म की तरक्की के लिए किस अंग्रेजी अफसर ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सवाल नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्नल हॉल राइज हो जाएगा। और मैं आप लोगों को खास बात बता दूं, आप लोगों को कॉपी कैसे लिखना है उस पर एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा उर्दू कॉपी कैसे लिखें एग्जाम में, या फिर बोर्ड एग्जाम में उर्दू कॉपी कैसे लिखें, कुछ भी लिखिएगा, मेरा ही वीडियो आप लोगों को सबसे पहले ऊपर में दिखाएगा, जो कि चैनल का नेम है AS उर्दू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे, कि नुस्खे वफा किस शायर की कलियात का नाम है। सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फैज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे, आहंग किसकी नज्मों का मजमुआ कलाम है। सवाल नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिजाज का मजमुआ का कलाम है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, लड़का किस शायर की नज्म है। सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अख्तरुल ईमान की नज्म है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, हस्बुल वतनी किस शायर के यहां बदरजे पाई जाती इतमें पाई जाती है। सवाल नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चकबस्त हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, चकबस्त का पूरा नाम क्या था, आप लोग जानते ही हैं और पहले से पढ़ चुके हैं, पंडित ब्रिज नारायण हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अल्लामा इकबाल कब और कहाँ पैदा हुए। तो अल्लामा इकबाल जो है सियालकोट में 1870 ईस्वी में पैदा हुए थे, सियालकोट में 1870 ईस्वी में जो है पैदा हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जोश ने क्या है कि अकबली सुबह बदली का चांद में किस चीज के अकासी की है। तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फितरत की। उसके बाद देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रखा है, मिर्जा मोहम्मद रफी का तखल्लुस क्या था। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सौदा तखल्लुस था। उसके बाद आपके सामने में 17 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हो गया गड़बड़ा के, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली कब और कहाँ पैदा हुए, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली कब और कहाँ पैदा हुए। तो ऑप्शन था सबसे फर्स्ट नंबर पे 1887 दिल्ली में, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 1837। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1837 में पानीपत में पैदा हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, चलिए तो फाइनली मैं आप लोगों को 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूं, क्या है कि मौजूआती नज्मों की इब्तिदा किस शायर ने की। चलिए तो मैं आप लोगों को फाइनली 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहा हूँ, क्या लिखा हुआ था कि मौजूआती नज्मों की इब्तिदा किस शायर ने की। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाली ने की थी। किसने की थी, तो हाली ने की थी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे फटाफट से। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रखा था, अल्लामा इकबाल ने अपनी नज्म, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। तो फिर से यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन के पास मिस्टेक हो गया, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्लामा इकबाल ने
अपनी नज्म नया नया सवाला में दुनिया के लोगों की नजात किस में बताई। तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहब्बत में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहब्बत में बताई। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देख लीजिए। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन हो गया, 20 नंबर क्वेश्चन कितना 19 नंबर हो गया, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं। क्या है 20 नंबर क्वेश्चन? अल्लामा इकबाल का मुंदरजा ज़ैल में से कौन शायरी मजमुआ नहीं है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी वारदात, ये नहीं है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल की उर्दू नज़मों और गज़लों के कितने मजमुए शाये हुए? तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार मजमुए शाये हुए। उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, दास्तान तलसीम होश रुबा में जादूगरों के बादशाह का क्या नाम था? 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अफरासियाब। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, शहरे बुलंदिया का जिक्र किस अफसाने में हुई? यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कफन हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, दास्तान तलसीम होश जुबा के मुसन्निफ कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंशी मोहम्मद हुसैन जहां। उसके बाद यहां पे आपका 24 नंबर हो गया, 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। 25 नंबर क्वेश्चन है, तौबतुन नसू नावल के तख्लीक कार कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नजीर अहमद। उसके बाद यहां पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने में, कैचपुर से मकबूल सिंफ कौन सी है? तो यहां पे मकबूल सिंफ जो है गजल है, क्या है? गजल है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी गजल। तो यहाँ से हम लोगों की वीडियो जो है यहीं से एंड होगी। और आप लोग बताएं आज का क्लास, अभी का क्लास कैसा लगा? और आप लोगों को अगर जो भी डाउट वगैरह है फटाफट से आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए, और एक बार आप लोग अच्छे तरीके से एक बार अपने से देख लीजिए। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो जो भी थोड़ा सा घिस गया है उसको मैं दोबारा पढ़ के दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए क्या है कि सरोज सामा किसकी नज्म का कलियात है? ये आपका लिखा हुआ था, इसका जवाब था अख्तरुल ईमान था। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन था, शोला व शबनम किसकी शेरी कलाम का मजमुआ है? ये इसका ऑप्शन नंबर बी है, जोश का। उसके बाद आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन था, क्या था? शायर शबाब और शायर इनकलाब के नाम से किस शायर को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए था, जोश था। और क्या घिसा हुआ था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये क्वेश्चन था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना कौन सी नज्म कहलाती है? तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नजर अलीगढ़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन तो दिख ही रहा है, और देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन नहीं दिखता है, उसको हम लोग दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे है, मौलाना आरिफ हुसैन हाली कब और कहाँ पैदा हुए? तो इसका सही आंसर है 1837 ईस्वी में पानीपत में पैदा हुए थे। उसके बाद यहाँ पे मौजूआती नज़मों की इब्तदाई, ये क्वेश्चन क्या था? मौजूआती नज़मों की इब्तदाई किस शायर ने की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, यहाँ पे हाली लिखा हुआ है। किस तरह हाली लिखा हुआ है? यहाँ पे इस तरह हाली लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पे जो मिट चुका है 1837 से कुछ था, सैंतीस था कन्फर्म, यहाँ पे 37 था। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे मिट चुका है, अल्लामा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अल्लामा इकबाल ने अपनी नज्म नया सवाला में जो है दुनिया के लोगों की निजात किस में बताई? तो मोहब्बत में बताई। तो फाइनली आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक पहुंचा दीजिए, और आप लोग ध्यान से इस वीडियो को एक बार कंप्लीट पढ़ के जाना है, हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आपका यहीं से आ जाए, ठीक है? मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद जय भारत।